Thank you, Dr. Singh, for your kind introduction. My name is Tarun Girotra. I'm one of the neurologists at University of New Mexico. और मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है कि मैंने अभी डॉक्टर त्रिपाठी का टॉक सुना और उनके एक्सपीरियंस से जैसे हम सब सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग मैं जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है. बट आज का टॉपिक जो मेरा है, दैट्स गोइंग टू बी अबाउट एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट एंड आई विल बी टॉकिंग ओवर दीज फोर टॉपिक्स ब्रॉडली. तो वॉट इज स्ट्रोक इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड यहाँ पे सारे डॉक्टर हैं तो आई डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. बट stroke is defined as an acute neurological dysfunction due to an abrupt vascular event. Hippocrates ne jab ye stroke described kiya tha Greece mein, to unhone kaha tha apoplexy. Apoplexy ka literal meaning hota hai ki being struck down by violence. To ye dikhata hai ki stroke jo onset hota hai, that is abrupt, severe and acute, aur ekdam kahin se bhi aa jata hai, unexpected. यहाँ पे सभी जानते होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक. 85% ऑफ स्ट्रोक्स आर गोइंग टू बी इस्केमिक, जिसमें कि आर्टरी ब्लॉकेज होती है, और 15% स्ट्रोक होते हैं हेमरेजिक, जिसमें कि रप्चर ऑफ अ वेसल लीड्स टू ब्लीडिंग. कोई भी डिजीज आइडेंटिफाई करने से पहले उसका बर्डन जानना जरूरी है, क्योंकि इस बर्डन के बेसिस पे ही हम उस डिजीज के टूवर्ड्स रिसोर्सेज और एडवोकेसी और गवर्नमेंट का कोऑपरेशन मांगते हैं. तो स्ट्रोक कितना है इंडिया में, अगर हम फिगर में देखें तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसमें इंडिया तकरीबन बीच में आता है, बीच टूवर्ड्स द सीवियर साइड ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीजेस, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल. अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 1.8 मिलियन इंडिया में स्ट्रोक होते हैं हर साल. इंसिडेंस पर लाख पॉपुलेशन 145 to 154 के करीब एस्टिमेटेड की गई है, और कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज इट इज हाई. सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पिछले दो डेकेड्स में द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक हैज़ डबल्ड इन इंडिया, प्राइमरीली बिकॉज ऐसी जैसे जैसे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद साल बढ़ रहे हैं, हमारी एवरेज एज पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रेवलेंस भी काफ़ी वाइड है, 54 to 150 पर 1 लाख पॉपुलेशन. जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है वो है कि आज की डेट में भी जब 30-day केस फैटालिटी रेट ऑफ स्ट्रोक इज कंसिडर्ड एनीवेयर बिटवीन 41 to 42%, जो कि रूरल इंडिया में ज़्यादा खराब है. टोटल ऑल इंडिया में 5th लीडिंग कॉज है डेथ का स्ट्रोक, लेकिन TPA जो एक मेडिकेशन है जो इस्केमिक स्ट्रोक के लिए दी जाती है, उसका यूटिलाइजेशन रेट सिर्फ 4% है कंपेयर टू 20 to 30% बाकी कंट्रीज में. तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि स्ट्रोक बहुत कॉमन है, स्ट्रोक हर जगह है, बट द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक इज वेरी लेस. तो इस तरह से अगर स्ट्रोक के बारे में देखा जाए तो देर आर 3 phases ऑफ स्ट्रोक प्रिवेंशन. 1 इज प्राइमरी प्रिवेंशन, जो which focuses on high blood pressure, high cholesterol, diabetes management. The other one is acute treatment of stroke, जहाँ पे हम TPA और thrombectomy का utilization करते हैं. और फिर होता है stroke के बाद एक और stroke को कैसे prevent किया जाए और therapy कैसे दी जाए. तो आज का focus रहेगा emergency treatment of stroke पे. तो emergency treatment of stroke के 3 main objective होते हैं. First is to identify a stroke. जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि हमारी डायग्नोसिस हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है टुवर्ड्स मैनेजिंग एनी डिजीज, तो आइडेंटिफाइंग अ स्ट्रोक इज द फर्स्ट बैरियर. फिर अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर करना, और उसके बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑर्डर करना. ये 3 objectives हैं एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक के. तो एक्यूट स्ट्रोक प्रेजेंटेशन में 2 key words होते हैं आइडेंटिफाई करने. नंबर 1 इज अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ ए फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज. तो अब्रप्ट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज पे फोकस करते हैं हम हिस्ट्री देते टाइम. तो अब्रप्ट ऑनसेट मतलब कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी पेशेंट कहेगा कि मुझे ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, और ये सिम्टम्स होते हैं व्हाट वी डिफाइन एज फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं जैसे कि एक साइड वीक होना, एक साइड बेझंझनी आना, अनस्टेडीनेस, चक्कर आना, फेस पे एसिमेट्रिक फेशियल ड्रूप होना, बात नहीं कर पाना, जिब्रिश बोलना, नॉनसेंसिकल बातें बोलना, या फिर विजन में प्रॉब्लम होना. अगर इनमें से कोई भी सिम्टम एक्यूटली आएगा, दैट इज द मोस्ट क्लासिकल सिम्टम ऑफ अ स्ट्रोक. तो फर्स्ट स्टेप अबाउट स्ट्रोक ट्रीटमेंट रियली स्टार्ट्स एट द कम्युनिटी लेवल. जो नॉर्मल शहरों और गांव में लोग हैं कि उनको कितना पता है स्ट्रोक सिम्टम्स के बारे में,
एक बहुत ही पॉपुलर निमोनिक यहाँ पे फॉलो होता है जिसमें लाइक द स्ट्रेस होता है क्या बी फास्ट, अगर आप स्ट्रोक सस्पेक्ट करें तो बी फास्ट निमोनिक है बैलेंस आईसाइट फेस आर्म स्पीच और फोकस करता है टाइम पे क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक इज वेरी टाइम डिपेंडेंट। तो एक स्टडी इंडिया में करी गई थी सीएमसी लुधियाना में 2004 में जिसमें डॉक्टर पांडियाल और उनकी टीम ने तकरीबन 600 लोगों से वहाँ सर्वे करके पूछा कि आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स पता है। तो सरप्राइजिंगली इंडिया में काफ़ी लोगों को पता है कि वीकनेस ऑन वन साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। तो आई थिंक यहाँ पे नॉलेज है जनरल पॉपुलेशन में कि स्ट्रोक क्या होता है जिसको कंसोलिडेट करने की जरूरत हो। एक बार जब स्ट्रोक के सिम्टम्स हो जाते हैं तो एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू गेट इज कि पेशेंट का लास्ट नोन नॉर्मल या लास्ट सीन नॉर्मल कब था। इसकी एक एग्जांपल है कि 68 ईयर ओल्ड एक फीमेल को इमरजेंसी में लाया जाए अगर 6 बजे शाम के विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ राइट साइडेड हेमिप्लेजिया एंड एफेजिया। उनके बेटे ने कहा कि वो वापस घर आए 5 बजे और उन्होंने अपनी मदर को ऐसे देखा, लेकिन उनसे क्लैरिफाई करने पर पूछा गया कि उनके बेटे ने उनको लास्ट टाइम देखा था जब घर छोड़ने से पहले, काम पे जाने से पहले सुबह 10 बजे। तो इन दिस सिचुएशन इन दिस एग्जांपल द लास्ट नोन नॉर्मल इज 10 o'clock एंड वी हैव टू रिलाई ऑन दिस बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक इज प्योरली टाइम बेस्ड। टाइम और स्ट्रोक ट्रीटमेंट का रिलेशन बहुत ही गहरा है एंड इसीलिए जब पेशेंट्स हमें नहीं बता पाते कि उनका सिम्टम कब स्टार्ट हुआ था तो वी हैव टू रिलाई ऑन फैमिली मेम्बर्स एंड अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम जब वो लास्ट नॉर्मल थे हमें उस टाइम को लेके चलना पड़ेगा, उस टाइम हमारी घड़ी स्टार्ट होती है। जब एक पेशेंट इमरजेंसी रूम में आता है तो उसका एक न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना जरूरी है। हम मेडिकल स्कूल में बहुत क्लासिकली पढ़ते हैं, न्यूरो का एग्जाम बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब स्ट्रोक की बात आती है तो एक वेरी फोकस्ड और छोटा न्यूरो एग्जाम करना पड़ता है जो कि टाइम सेंसिटिव हो लेकिन सेंसिटिव हो टू पिक अप अबनॉर्मैलिटीज इन अ पेशेंट। और उस बेसिस उस थॉट को सेंटर रख के देयर इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्किल डेवलप जिसमें कि 13 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है और उनको ऑब्जेक्टिवली ग्रेड करना होता है जो एक सिवियरिटी स्कोर देता है एनीवेयर फ्रॉम 0 to 40s। तो ये NIS स्ट्रोक स्केल ईजिली अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ट्रेनिंग के लिए और एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है। जब आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट किसी न्यूरोसर्जन से या वो किसी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से बात करना चाहे तो NIS स्ट्रोक स्केल के जरिए द सिवियरिटी ऑफ द स्ट्रोक कैन बी ईजिली एक्सप्लेन टू डिफरेंट टीम मेम्बर्स। इंडिया में NIS स्ट्रोक स्केल को हिंदी में डेवलप करा गया है एम्स में बाय डॉक्टर प्रसाद इन 2012 जिसको वैलिडेट भी करा गया है। दिस इज द इमेज जो लैंग्वेज फंक्शंस के लिए यूज होता है। मुझे अभी तक हिंदी के अलावा कोई भी और NIS स्ट्रोक स्केल का इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन आज तक नहीं दिखा है, जो एक अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टेट की अपनी लोकल लैंग्वेज में NIS स्ट्रोक स्केल को अपडेट और मॉडिफाई करने की। आफ्टर डूइंग द इनिशियल क्लिनिकल एग्जाम कि आप एक डॉक्टर को समझ आ रहा है कि ये स्ट्रोक हो सकता है तो घड़ी जो स्टार्ट होती है उसमें पहला गोल होता है हमारा कि CT स्कैन एक जल्दी कराना है। और CT स्कैन ज़रूरी इसलिए हो जाता है स्ट्रोक में बिकॉज यहाँ पे काफ़ी स्टडीज करी गई हैं जिसमें कि प्योरली बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एक क्लिनिशियन रिलायबली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन एन इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। एंड टू गिव अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको कन्फर्म करना ज़रूरी है कि पेशेंट के पास कहीं ब्लीड तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन बोथ ऑफ दीज पेशेंट्स प्रेजेंटेड विद राइट साइडेड वीकनेस, एक के CT स्कैन में देयर इज एन इस्कीमिक स्ट्रोक, द अदर पेशेंट हैज अ हेमरेजिक स्ट्रोक। बोथ ऑफ दीज पेशेंट्स विल हैव अ वेरी सिमिलर एग्जाम, बोथ ऑफ दीज पेशेंट्स विल हैव एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स मे हैव अ हेडेक बट हेडेक्स आर मोर लाइकली इन हेमरेजिक स्ट्रोक। बट जस्ट द फैक्ट कि हेडेक प्रेजेंट है ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए हेमरेजिक स्ट्रोक को इस्कीमिक स्ट्रोक से। तो अभी हम जाएंगे इस्कीमिक स्ट्रोक के पाथवे में। एक और केस स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या साइंस होते हैं ऑफ एन इस्कीमिक स्ट्रोक इन ए पेशेंट ऑन अ CT स्कैन। तो इन दिस केस देयर इज अ 67 ईयर ओल्ड मेल जिसको लेफ्ट साइडेड वीकनेस है, राइट गेज डिविएशन है और निगलेक्ट है ऑन द लेफ्ट साइड।
इन दिस पेशेंट सीटी स्कैन अगर हम गौर से देखें तो देयर इज अबनॉर्मल साइन कॉल्ड हाइपरडेंस वेसल साइन जो इंडिकेट करता है ब्लॉकेज एक्यूट ब्लॉकेज इन एन आर्टरी ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन दिस एग्जांपल तो हाइपरडेंस वेसल साइन इज अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ द इस्कीमिक स्ट्रोक और जैसे जैसे स्ट्रोक इवॉल्व होता है कुछ घंटों में देयर आर सर्टेन चेंजेस वी स्टार्ट सीइंग ऑन द सीटी स्कैन अगर नॉर्मल साइड पे हम देखें तो ब्रेन में सल्काय और गायराय होते हैं और अगर हम ध्यान दें तो हल्का सा एक डिफ्रेंशिएशन होता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बीच में ग्रे मैटर थोड़ा ब्राइट दिखता है वाइट मैटर थोड़ा डार्क दिखता है बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द टिश्यू जब स्ट्रोक होता है तो ग्रे और वाइट मैटर का डिफ्रेंशिएशन मुश्किल होता है और जो सल्काय और गायराय होते हैं दे ऑल डिसअपीयर बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग और एडिमा These are the two important signs of early signs of ischemia on a CT scan. Sulcal effacement, यानि कि आपको जो sulci और gyra है वो नहीं देखेंगे और the loss of grey white matter differentiation, यानि कि आप एक normal brain पे जो white और grey matter का differentiation कर सकते हैं वो आप stroked ischemic brain में नहीं कर पाएंगे. एक और important imaging marker है to quantify stroke, which is called aspects. एस्पेक्ट्स डेवलप हुआ था कैनेडा में 1980s और अर्ली 90s में और ये बहुत ही सिंपल स्टेप है इस स्टेप में एक MCA टेरिटरी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी टेरिटरी को 10 प्री डिफाइंड एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है एंड एवरी एरिया विच हैज एन अर्ली इस्कीमिक चेंज वी सब्ट्रैक्ट 1 पॉइंट सो एस्पेक्ट टोटल स्कोर हो सकता है फ्रॉम 0 to 10 एस्पेक्ट होना मतलब कि आपका सीटी स्कैन इज टोटली नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ 6 to 9 कंसिडर करा जाता है लो वॉल्यूम स्ट्रोक और एस्पेक्ट 1 या 0 to 5 कंसिडर करा जाता है लार्ज वॉल्यूम स्ट्रोक और ये ट्रीटमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर होगी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स तो आपने सस्पेक्ट किया स्ट्रोक आपने उसको इमेजिंग करी अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि उसको ट्रीट कैसे करना है देर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट कि हम आर्टरी को ओपन करें रीकैनलाइज एंड रीपरफ्यूज जो कोलैटरल ब्लड फ्लो है जो दूसरी आर्टरीज ब्लड भेजना चाह रही है टुवर्ड्स द स्ट्रोक उसको हम ऑप्टिमाइज करें उसको हम स्ट्रेंथन करें और हम सेकेंडरी इंजरी जो है ब्रेन की इन द एक्यूट स्ट्रोक फेज उसको प्रिवेंट करें तो मोस्ट ऑफ द फोकस इन एक्यूट स्ट्रोक केयर सेंटर्स अराउंड रीकैनलाइजेशन एंड रीपरफ्यूजन जिसमें कि हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं केमिकली हम आर्टरी को खोलें यूजिंग क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिकेशन लाइक टिश्यू प्लस विनोजन एक्टिवेटर या फिर हम उसको मैकेनिकली खोलें थ्रू ए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा ब्रीफली ऑप्टिमाइजिंग कोलैटरल फ्लो विल बी वन ऑफ द साइंस एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेन इंजरी मतलब कि यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट डज नॉट गेट फीवर हाइपरग्लाइसीमिया और सेरेब्रल एडीमा शुड बी मैनेज्ड अर्ली बिकॉज ये फैक्टर्स जब ऐड होते हैं एक्यूट स्ट्रोक के ऊपर दे विल रियली हार्म द आउटकम एंड द प्रोग्नोसिस विल बी वर्स सो केमिकल थ्रोम्बोलिसिस इज बेसिकली 2 मेन मेडिकेशंस आईवी इंट्रावीनस टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर जिसको कहते हैं टीपी ऑल्टरप्लेस द डोज इज 0.9 मिलीग्राम पर किलोग्राम जिसमें से कि 10% इज गिवन एज अ बोलस फर्स्ट एंड 90% ऑफ द डोज इज गिवन एज एन इन्फ्यूजन ओवर जाना और एक रिसेंटली अप्रूव्ड मेडिकेशन कॉल्ड आईवी टेनेक्टेप्लेस जिसकी डोज है 0.25 मिलीग्राम पर किलोग्राम जिसको एक साथ पूरा का पूरा 100% बोलस की तरह देते हैं एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दे कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन और दे एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन एंड दिस प्लाज्मिन इज नोन टू डीग्रेड फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट और ये प्रोसेस और ये स्टेप इंपॉर्टेंट है टू डिसॉल्व द ब्लॉक एंड ओपन अप द आर्टरी तो 1995 में द फर्स्ट स्टडी विच वॉज अ लैंडमार्क स्टडी इन स्ट्रोक पब्लिश्ड एंड शोड बेनिफिट ऑफ टीपीए एंड 2008 में दे एक्सटेंडेड द विंडो कि 3 घंटे से 4.5 घंटे अप टू 4.5 hours फ्रॉम लास्ट नोन नॉर्मल टीपीए कैन बी सेफली गिवन एंड दिस वॉज द ब्रेक डाउन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स इन अ सब एनालिसिस एक सिंपल मेमोरी के लिए लाइक आई डिवाइडेड डिफरेंट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो लिस्ट बहुत लंबी है बट आई हैव क्रिएटेड अ वेरी सिंपल अब्रीविएटेड लिस्ट जिसमें कि अगर आपको सस्पेक्ट हो रहा है स्ट्रोक है और पेशेंट इज अप टू 4.5 hours फ्रॉम लास्ट सीन नॉर्मल और लास्ट नॉन नॉर्मल जब आप पेशेंट को टीपीए दे सकते हैं
और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, अगर कभी भी हिस्ट्री में पेशेंट के हेमराजिक स्ट्रोक हुआ है, अगर पिछले 3 महीने में एनी सीवियर CNS इंजरी लाइक इस्कीमिक स्ट्रोक, सीवियर हेड ट्रॉमा या कोई इंट्राक्रेनियल सर्जरी हुई है, पिछले 3 हफ्तों में कोई GI ब्लीडिंग हुआ है, पिछले 2 हफ्तों में कोई मेजर सर्जरी हुई है, पिछले 1 हफ्ते में किसी का लंबर पंक्चर हुआ है या फिर कोई नॉन कंप्रेसिबल आर्टीरियल पंक्चर हुआ है, अगर somebody is using anticoagulation like warfarin और उनका INR 1.7 से ऊपर है, या जो newer agents है direct thrombin inhibitor या direct factor 10A inhibitor like apixaban, rivaroxaban, अगर उनका use within the last 48 hours है, और किसी को known history of intracranial vascular malformation है या aortic dissection at the time of the stroke हुआ, तो these are the contraindications which account for 95% of all contraindications. One thing which AHA ने update किया है in 2018 is they have removed a recent history of STEMI or non-STEMI from absolute contraindication to relative or contraindication or warning. In severe stroke cases, we can still recommend TPA despite having a recent history of heart attack. आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करो, पेशेंट की फैमिली को टू काउंसिल देम और उनको समझाने के लिए कि बेनिफिट क्या है, और खुद को समझने के लिए भी कि बेनिफिट क्या है, एक ऐसा पॉकेट कार्ड बहुत कॉमनली यूज होता है जिसमें कि आउट ऑफ वी कैन इजीली शो अ पेशेंट दैट आउट ऑफ 100 पेशेंट्स हु गेट TPA 32% और 32 आउट ऑफ 100 पीपल विल हैव अ चांस टू रीगेन देयर नॉर्मल बेसलाइन और एज क्लोज टू एज बेसलाइन विदाउट हैविंग एनी फंक्शनल इम्पेयरमेंट. 32% chance of improvement, 6% chance of bleeding complication with 2-3% chance of a life-threatening bleeding. और ये number studies हैं 95 के, and over the next 2 decades यहाँ पे देखा गया है कि the 6% risk of hemorrhage is actually more like 3-4%. So 32% chances of getting back to normal versus 3% chance of deterioration. This is an easy way to, or a simple way, जिससे कि कोई भी language में बोलने वाला, कोई भी level of education वाला इंसान समझ सकता है कि benefit क्या है और risk क्या है इस medication का. ये है clot dissolving medication given through IV TPA. The next step in the management or next option for treatment of stroke, ischemic stroke, is thrombectomy. Thrombectomy को समझने से पहले we have to understand the pathophysiology of an ischemic stroke, which involves 2 basic components. One is your infarct core and one is the penumbra. So, अगर हम इस figure पे ध्यान दें, cerebral blood flow in a normal person is about 50 ml per 100 gram of brain tissue per minute. मतलब 50 ml of blood एक 100 gram of brain के tissue में per minute circulate करता है. This is normal. Brain के अंदर इतनी resilience और इतनी capacity होती है कि it can sustain a decrease in cerebral blood flow up to from 50 to 20 without actually showing symptoms. जब 20 से नीचे जाता है, बिटवीन 20 टू 10 अप्रॉक्सीमेटली, द सेरिब्रल द न्यूरॉन्स विल स्टार्ट हैविंग डिसफंक्शन, बट दे विल नॉट डाई. वो इस्कीमिक होंगे लेकिन वो इन्फॉर्टेड नहीं होंगे. और ये इस्कीमिक एरिया होता है जो सैलवेजेबल है, जिसको हम सेव कर सकते हैं थ्रू रिकैनलाइजेशन. यानी कि आपका एक पार्ट ऑफ ब्रेन है जो एक्ट नहीं कर रहा है, जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं स्ट्रोक के, लेकिन अगर उसकी वेसल को ओपन कर दिया जाए तो इट विल रिवर्स बैक टू नॉर्मल. तो ये कोर होता है, एक इन्फॉर्ट कोर होता है जो जिसमें सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज बिलो 10, जो सेव नहीं हो सकता, बट द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रोक ट्रीटमेंट इज टू सेव द पेनम्ब्रा और सैल्वेजेबल टिश्यू और द इस्कीमिक टिश्यू. ऑब्जेक्टिवली इसको मेजर कर सकते हैं यूजिंग एडवांस्ड इमेजिंग लाइक CT परफ्यूजन और MRI परफ्यूजन, विच आई विल टॉक टू यू अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट और हाउ नीडेड इट इज इन सेटिंग ऑफ इंडिया. But before that, detecting a large vessel occlusion is important, which can be done with a CT angiogram head and neck. So question ye hota hai ki which patients, when they come to the emergency, should get a CT angiogram. Ek bahut hi simple threshold mana gaya hai, NIS stroke scale of 6, because this has the sensitivity of 87% to detect LVO. Matlab ki 100 mein se 87 patients ko ye sahi se predict kar sakta hai कि उनका इनके पास एक लार्ज वेसल ऑक्लूजन है. इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल साइंस लाइक एफेशिया, निगलेक्ट इन अटेंशन, गेज डिविएशन और हेमियोनोप्सिया, क्लिनिकल साइंस में ये आपको हेल्प कर सकता है टू डिटेक्ट लार्ज और प्रिडिक्ट लार्ज वेसल ऑक्लूजन. और ऑफ्टन एक बहुत कॉमन
डर ये होता है लोगों में कि हम सीटी एंजियो करेंगे बट दैट विल हर्ट द किडनी, तो इसके बारे में भी करा एक स्टडी ने, ओवर 5000 पेशेंट्स को स्टडी किया था जिनमें से कि कुछ लोगों को सीटी एंजियो मिला था और कुछ को सीटी एंजियो नहीं मिला था, और उन्होंने देखा गया कि ओवरऑल एक्यूट किडनी इंजरी का रेट है 3%, और ये एक्यूट किडनी इंजरी डिड नॉट सिग्निफिकेंटली राइज इन पेशेंट्स इन नॉर्मल पेशेंट्स एक्सेप्ट दोज पेशेंट्स हु हैव बेसलाइन क्रॉनिक किडनी डिजीज. तो अगर आपके पास बेसलाइन क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं है, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा ये कहता है कि यू कैन सेफली प्रोवाइड सीटी एंजियोग्राम इन द एक्यूट सेटिंग, और उनकी जो किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन इंश्योर कि आपकी किडनीज विल नॉट गेट हर्ट एंड यू कैन स्टिल डिटेक्ट अ लार्ज वेसल ऑक्लूजन इन द इमरजेंसी सेटिंग. सो गोइंग बैक टू एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टोमी और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, यहाँ पे आपने एक सीटी एंजियोग्राम से एक लार्ज वेसल ऑक्लूजन, जैसे कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज दिस एग्जांपल, या इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी डिटेक्ट कर ली. NIH स्ट्रोक स्केल आपका 6 से अबव है, इंडिकेटिंग यू हैव सीवियर सिम्टम्स. और फिर आ जाता है कि आपको क्या इमेजिंग चाहिए उसके अलावा. तो एक समरी स्लाइड है ये ऑफ एवरी ऑफ ऑल द स्टडीज बिटवीन 2010 एंड 2022, जिसमें कि ये दिखाया गया कि इफ़ द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद इन 6 आवर्स ऑफ लास्ट नॉन नॉर्मल, आप सिर्फ सीटी एस्पेक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो सीटी एस्पेक्ट्स वाज द 10 पॉइंट स्कोर इन अ नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी, और अगर आपका एस्पेक्ट 6 और हाई है तो आप पेशेंट को थ्रोम्बेक्टोमी दे सकते हैं. 6 to 24 आवर्स हिस्टोरिकली हैज़ बिन रिलाइड ऑन परफ्यूजन बेस्ड इमेजिंग, जो कि आपकी परफ्यूजन को कैलकुलेट कर सकता है, फर्क कोर और टेलोमेरा को कैलकुलेट कर सकता है. ये अभी तक का नॉर्म है, माना जाता है. ये एक एग्जांपल है ऑफ अ सीटी परफ्यूजन इन विच एग्जांपल दिस केस में अगर एक केस स्टडी ली जाए, 58-year-old फीमेल जो हॉस्पिटल में आई थी हमारे, जिनके मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ऑक्लूजन था, NIH 17 था, और उनका लास्ट नोन नॉर्मल 12 घंटे से पहले था, उनकी ये सीटी परफ्यूजन है. सीटी परफ्यूजन में अगर मिसमैच हो सेरेब्रल ब्लड फ्लो और सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम में, तो आप इनको थ्रोम्बेक्टोमी थ्रोम्बेक्टी के लिए भेज सकते हैं, जैसे कि लोअर एग्जांपल है जहाँ पे सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम है लेकिन सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम नहीं गिरा हुआ, तो इंडिकेट्स कर. ये स्टैंडर्ड है अभी तक का, बट मैं मुझे पता है इंडिया में परफ्यूजन मिलना इतना ईजी नहीं है, जिसके लिए 2 स्टडीज़ पिछले 4 महीने में रिलीज हुई हैं जामा में, एक स्टडी 2021 दिसंबर में, एक स्टडी 2022 जनवरी में. 2022 जनवरी की स्टडी में देखा, उन्होंने कंपेयर किया तकरीबन 1600 पेशेंट्स को, और उन्होंने देखा कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स फॉर थ्रोम्बेक्टोमी इन दी एक्सटेंडेड विंडो, मतलब कि 6 से 24 घंटे में उन्होंने कंपेयर किया आउटकम्स ऑफ पेशेंट जिनको थ्रोम्बेक्टोमी के लिए भेजा गया जस्ट बेस्ड ऑन सीटी हेल्प नॉन कॉन्ट्रास्ट वर्सेज सीटी और एमआरआई, सीटी परफ्यूजन और एमआरआई. बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ये था इसमें कि सीटी हेड नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी हेड से जो पेशेंट सेलेक्ट करे गए थे उनमें भी इक्वल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैड गुड आउटकम्स, अबाउट 40 to 44. दिस इज द फर्स्ट एविडेंस जो सर ये दिखाता है कि वी कैन रीजनेबली सेलेक्ट थ्रोम्बेक्टोमी पेशेंट्स विद जस्ट नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी, और हमें सीटी परफ्यूजन की एब्सोल्यूट जरूरत नहीं है, जो इंडिया में बहुत ही बेनिफिशियल होगा जहाँ पे परफ्यूजन बेस्ड इमेजिंग रेडिली अवेलेबल नहीं है. और सिम्टोमेटिक हेमरेजिक कन्वर्जन जो है वो भी सिमिलर थे, 8% था, जो थोड़ा ज़्यादा है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी से सेलेक्टेड पेशेंट में, बट स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इसकी नहीं पहुँचती. तो जो समरी है, इफ योर एस्पेक्ट इज बिटवीन 6 to 10 इन द एक्सटेंडेड विंडो and you know, the patient goes for thrombectomy, good outcome is seen in 40 to 45% of patients. Aspect of 2 to 5, jo dusri study 2021 mein thi jinhone sirf focus kiya no aspect score pe extended window mein, unko agar hum thrombectomy bheje to unme compared to aspect of 6 to 10 half of the patients will reach a good outcome, which is 20%. Compared to aspect of 2 to 5 and no thrombectomy, that's still high. Unke un cases mein 5% patients ko hi good outcome milta hai. So this summary slide indicates that India jaisi setting mein we do not have to rely on advanced imaging like perfusion based imaging to show that patients can be selected appropriately using a non contrast CT and just CT angio for thrombectomy.
और ये सिमिलरली एक और पिक्चर है जो ये दिखाती है कि द पेशेंट्स विल हैव ओवरवेलमिंगली मोर बेनिफिट ऑफ थ्रोम्बेक्टमी कंपेयर टू हार्म जब पेशेंट को काउंसिल करना होता है. एक क्यूट और दूसरी चीज इसके बाद आई टॉक अबाउट टाइम इन स्ट्रोक, बट बिफोर दैट आई आल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजिंग कोलेक्ट्रल फ्लो. तो इन दिस वेरी क्लासिकल डायग्राम ऑफ स्ट्रोक लिटरेचर वी सी दैट नॉर्मल सिचुएशन में जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज अ नॉर्मल ऑटो रेगुलेशन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो. कि सिस्टोलिक प्रेशर में एक रेंज में द आर्टरीज आर एबल टू डायलेट एंड कॉन्स्टेंट टू मेंटेन सेरेब्रल ब्लड फ्लो एट अ कॉन्स्टेंट लेवल. जब एक्यूट स्ट्रोक होता है द ऑटो रेगुलेशन कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन डिक्रीजेस एंड द लाइन बिकम स्ट्रेट. ये ऑटो रेगुलेशन खत्म हो जाता है, यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जैसे ब्लड प्रेशर घटेगा सेरेब्रल ब्लड फ्लो गिरेगा. कम सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंडिकेट्स फास्टर कन्वर्जन ऑफ इस्कीमिया टू इन्फार्क्शन, जो कि नेगेटिव आउटकम देगा. दैट्स वाई इन द एक्यूट सेटिंग कुछ पोजिशंस एक्यूट सेटिंग में इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप द हेड ऑफ द पेशेंट फ्लैट ताकि ग्रेविटी एलिमिनेट हो और ब्लड सीधे ब्रेन पे जा रहे ईजीली जाए. कुछ केसेस में आईवी ब्लड प्रेशर ऑगमेंटिंग मेडिकेशन जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन और वेसोप्रेसिन भी हेल्प करी गई है टू हेल्प प्रमोट ब्लड फ्लो इन द वेरी एक्यूट सेटिंग. Kind of shifting focus to why acute treatment of stroke is important or why it is fine. तो ये बहुत ही famous एक study थी in 2006 जिसने कि actually quantify किया कि every second or every hour or every minute of stroke how many neurons are dying and how much is the aging accelerated. मतलब कि हर एक minute जब stroke हो रहा होता है तो हर एक minute में एक इंसान की एज 3 हफ्ते बढ़ती रहती है, जब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम होती रहती है. हर एक घंटे में 3.5 साल तकरीबन एज बढ़ जाती है. इफ़ यू लुक एट देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर्व और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डाइंग रेंजेस फ्रॉम एवरी सेकेंड 32,000 न्यूरॉन्स टू 120 मिलियन न्यूरॉन्स एवरी आवर. दीज आर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डाइंग, द रेट एट विच दे आर डाइंग. सो द कोर इज गेटिंग बिगर एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट. So that's why treating a stroke in time or on a timely manner is very important. और ये दिखाया गया है, like for example in this study, which showed कि how many patients had good outcome versus bad outcome when given TPA. तो हर 90 मिनट के इंटरवल पे outcome kept going down, number of patients getting hemorrhage kept going up. Similarly, thrombectomy में भी ये देखा गया है कि जितना देर हम वेट करेंगे from symptom onset to arterial puncture for thrombectomy, the chances of having a good outcome will keep dropping. So this is or a 21 mein study kari gayi thi jisne isko quantify karke simple bhasha mein samjhaya ki 1 second ka delay in thrombectomy is equal to 2 hours of healthy life lost. So every second is equal to 2 hours of healthy life lost, which is why timing of treatment is so important. Stroke mimics भी important होते हैं, but briefly मैं ये बोलूँगा इसके बारे में कि 30% of suspected strokes turn out to be stroke mimics. और common reasons होते हैं ये seizures, migraines, functional disorder, यानी malingering, conversion disorder. But इसको एक हमेशा एक बोध देखा जाता है कि what if as a doctor I give TPA to a stroke mimic. तो इस to kind of settle this point I wanted to show a meta-analysis of 9 studies जिसने कि 8,000 patients with stroke mimics treated with TPA को study किया गया and the rate of hemorrhagic conversion or symptomatic hemorrhage was 0.5%. 1 in every 200 had a bleed compared to 4 to 6% of hemorrhagic conversion in patients with stroke. So TPA को देना in a patient with a stroke mimic is relatively safe compared to what it was earlier thought. Kuch clues hote hain jo that can help us differentiate a mimic from a stroke. It has been noted ki stroke is more common when a patient has history of atrial fibrillation, hypertension or hyperlipidemia, which are very high risk factors for stroke. If there is a definite history of focal neurological deficit and dekha ye actually study kiya gaya ki facial droop अगर नोटिस हुआ है दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड कि ये ट्रू स्ट्रोक है अनलाइक अ मिमिक.
एंड पेशेंट रिकॉलिंग की एग्जैक्टली कब हुआ, जो पेशेंट बोल पाते हैं स्ट्रोक के बाद वो ये बोले कि एग्जैक्टली इस टाइम पे या इस घंटे हुआ, दैट आल्सो इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ अ स्ट्रोक. लाइकलीहुड ऑफ अ मिमिक और नॉन स्ट्रोक डायग्नोसिस इंक्रीजेस जब पेशेंट में कोई कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है. देयर वाज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ द सिम्पटम ऑनसेट बिकॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ वेरी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. पेशेंट हैज द एबिलिटी टू वॉक. पेशेंट हैज नॉन न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मल साइंस जैसे कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला टू ऑस्कल्टेट एंड वी ऑस्कल्टेट एवरी पेशेंट विद अ स्ट्रोक टू लुक फॉर दीज अबनॉर्मल साइंस लाइक चेस्ट क्रैकल्स एंड फीवर्स. पेशेंट में अगर कन्फ्यूजन हो एंड देयर इज ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ लेस देन 150, दीज आर द इंडिकेटर्स दैट द पेशेंट मे हैव अ स्ट्रोक लिमिट. तो दिस वॉज द एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक एंड फॉर वेरी ब्रीफ मोमेंट आई टॉक अबाउट द सेकेंड केस स्टडी जो सिमिलर स्टोरी के साथ आई. 68 ईयर ओल्ड फीमेल विद राइट हेमिपरेसिस एंड एफेशिया बट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक देयर वाज अ इंट्रासेरिब्रल हेमरेज. जब आपको इंट्रासेरिब्रल हेमरेज मिलता है तो उसके ये तीन प्रिंसिपल्स हैं. ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इन द टेक होम मैसेज फॉर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट इज डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अंडर 160 प्रेफरेबली टू 140 बट नॉट लेस देन 130. ये एक समरी है ऑफ थ्री मेजर ट्रायल्स जो पिछले 10 साल में की गई है यूएस में टू यूरोप में टू फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इन अ पेशेंट विद हेमरेजिक स्ट्रोक. सो लेस देन 160 इज डेफिनेट. 140 विल लाइकली गिव अ गुड बेनिफिट बट लेस देन 130 विल गिव हायर इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक AKI विदाउट एक्चुअली गिविंग बेनिफिट और विदाउट एक्चुअली गिविंग मोर बेनिफिट than less than 140. दूसरी important management strategy होती है कि अगर patient is on a blood thinning agent, you have to reverse it. This is the summary of all the reversal agents that are available for treating a patient with ICH. So if a patient is on aspirin, desmopressin has weak evidence that it will help stabilize the hematoma or hemorrhage बढ़ेगा. If a patient is on warfarin or unka INR is above 1.4, giving IV vitamin K with fresh frozen plasma or 4-factor PCC is important. For direct thrombin inhibitor and direct TENA inhibitor, 4-factor PCC is still the main source of treatment with charcoal if the patient took the medication within 2 hours. There are some new reversal agent Adnexa or Adracizumab that have been approved for their reversal, but they are very expensive and not frequently used in any country including US. Or if kisi patient ko TPA mila ho aur unka hemorrhagic conversion ho gaya, to reverse TPA cryoprecipitate 10 units is the mainstay of treatment. And to decrease ICP in a patient, there are medical management and there are surgical management. For medical management, you want to elevate their bed to 30 degrees to increase the venous outflow, and then 3% saline or mannitol. These are the two hyperosmolar therapy agents which are very frequently available and commonly used for treatment or decreasing intracerebral pressure. And then for neurosurgical approaches, are shown to be effective, including an external ventricular drain of blood actually infiltrates the intraventricular compartment. Craniotomy or hemorrhage evacuation, especially if the bleed is less than 1 centimeter from the cortex and the patient's Glasgow coma scale is above 8. These are the two indications just like surgical evacuation has been shown to be beneficial. And recently in the last 5 years there have been a lot of trials which have included minimally invasive surgery just like endoscopic treatment of endoscopic evacuation of hematoma has been shown to actually benefit patients, at least in a subgroup of patients. So these are the management strategies. The last part of my talk is going to be focusing on the strategies of stroke systems of care. Now India mein ek doctor ya ek hospital stroke manage nahi kar sakta, uske liye sabko saath mein hona zaruri hai, including government medical associations like the GP association or Gorakhpur hospital and community. Aur ye alag alag phases hote hain to treat an acute stroke. So जो आपको एक स्टडी आपकी जो मैंने बताई थी जिसमें लुधियाना में ये मेजर किया गया था कि कितने लोगों को स्ट्रोक सिम्टम्स पता, उन्होंने एक और सर्वे में एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या करोगे अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक हुआ. तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखती है कि यहाँ
इंडिया में एटलीस्ट लुधियाना में देयर वाज वेरी लेस अवेयरनेस ऑन द अवेयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पेशेंट्स विद स्ट्रोक. और गोरखपुर जैसे शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो गूगल मैप पे मैंने देखा, बट आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे. और एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप जोन्स में डिवाइड कर सकें गोरखपुर को, और हर एक जोन में एक स्ट्रोक सेंटर पे फोकस कर सकें, जिसमें कि आप गवर्नमेंट में आयुष्मान भारत जीपी एसोसिएशन से मिलके यू कैन फोकस ऑन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज जहाँ पे कि एक हॉस्पिटल, एटलीस्ट एक हॉस्पिटल हो हर एक जोन में, जहाँ पे एक सीटी हेड अवेलेबल हो, एसेंशियल स्ट्रोक मेडिकेशंस अवेलेबल हो, और एक डॉक्टर अवेलेबल हो जो आजकल की टाइम में डेली स्ट्रोक भी प्रोवाइड कर सकता है. एक न्यूरोलॉजिस्ट बहुत सारे हॉस्पिटल को कवर कर सकता है, इमीजिएटली पेशेंट को देख सकता है. एम्बुलेंस में अगर हम जो एम्बुलेंस में टेक्नीशियंस होते हैं और असिस्टेंट्स होते हैं उनको एजुकेट करें, और स्ट्रोक रेडी चेकलिस्ट बना सके हॉस्पिटल्स में, जिसमें कि ये सारे चीज़ें इंक्लूड हो एक फोल्डर में, ताकि जब भी कोई पेशेंट आए किसी को सोचना ना पड़े, एक फोल्डर खोले, सारी चीज़ें चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग करें और पेशेंट्स को अप्रोप्रिएटली ट्रीट करें और आइडेंटिफाई करें, जिससे कि ट्रीटमेंट टाइम फास्ट हो, जिससे कि आउटकम्स बेटर. ये मेन कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर ज़रूरी होता है किसी भी शहर को एक अच्छा स्ट्रोक केयर सेंटर बनाने के लिए, जो गोरखपुर के लिए बहुत ही एडवांटेज होगा. और गोरखपुर एक ऐसा मॉडल बन सकता है इंडिया में जो बाकी शहरों को दिखा सकते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज केयर इन इंडिया, और उससे कि बाकी शहर भी सीख सकते हैं. सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक्स फॉर द नाइस प्रेजेंटेशन. गोरखपुर जैसे शहर में टेलिक्टा प्लेस और अल्टीप्लेस, पहले तो अल्टीप्लेस ही बहुत कॉमन ड्रग हुआ करती थी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इशू, क्योंकि एक अल्टीप्लेस पेशेंट को लगाने में अबाउट 40 to 60 thousand कॉस्ट आती थी, और उसमें हेमरेजिक रिस्क जो कि आपने बताया 5% के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट में अगर 1% भी चांस होता है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है यदि इंजेक्शन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन जब से टेलिक्टा प्लेस DGCI का अप्रूवल मिला इंडिया में, तब तक ये सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है. आजकल हम लोग काफ़ी ये सेंटर्स में इंक्लूडिंग टेलिक्टा प्लेस पेशेंट को इजीली फॉर्मलाइज कर सकते हैं, बिकॉज एक तो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आराम से इसको बोनस दे सकते हैं, दूसरा हेमरेजिक रिस्क जो हमने देखा है इन आवर एक्सपीरियंस काफ़ी लो एज कम्पेयर टू अल्टीप्लेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इशू, जो हमारी टेलिक्टा प्लेस की कॉस्ट होती है 20-25 thousand के आसपास होती है, जो कि अल्टीप्लेस की कॉस्ट से एकदम हाफ है. तो जब से इसका जब अप्रूवल मिला, तब से हमारे सिनेरियो काफ़ी हम लोग फॉर्मुलेसिस वगैरह काफ़ी ईजिली कर पा रहे हैं. लेकिन जब से एस्पेक्ट स्कोरिंग जो आपने बताया कि जिसके द्वारा हमें सिटी पर फिजन की आवश्यकता नहीं है फॉर द रेफरल पेशेंट फॉर द एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सिटी परफ्यूजन एमआर परफ्यूजन इजली अवेलेबल नहीं है, और जब तक हम लोग पेशेंट को इसके लिए प्रोवाइड करेंगे तब तक उसका विंडो पीरियड लॉस्ट हो जाता है. तो एस्पेक्ट स्कोरिंग बहुत अच्छा मेथड है, जिससे कि हम लोग पेशेंट को इजली हम लोग आफ्टर गिविंग दी आरटीपीए वी कैन ईजली रेफर द पेशेंट, ही इज एलिजिबल फॉर इंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी, वी कैन ईजली रेफर द पेशेंट टू डेजिग्नेटेड सेंटर. Right, sir. I mean, CT aspect is very good, and there was a lot of bahut hi motivation thi aise studies ke liye, because like world over perfusion studies readily available nahi hota. So, like this study from 22 January is a very landmark study, jo access bada dega of most of the stroke patients across the world, not just in India. Thank you so much, Dr. Tarun. That has been a very elaborate and very comprehensive talk, and it was delightful to hear you from all the way. And thank you so much, Chairperson. I request the Chairperson to present the memento for Dr. Tarun. And I request... yes, sir is invited to please ask a question. My question is, once you thrombolize the patient, then after how much time you start low molecular weight heparin for DVT profile axis? That's a good question. Thank you, sir. If the patient gets RTPA, we would wait 24 hours. But if the patient does not get RTPA, we can start a low molecular weight heparin or the subcutaneous heparin immediately.
Now I request the chairperson to present the memento for Dr. Tarun, and I request Dr. Smita Jaiswal to please receive it on his behalf. Now I request Dr. Ravikant Malsar to please present the memento to our chairperson.